गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्लस वन क्लास आपका जो था वो नेक्स्ट टॉपिक है नोड्यूलेटेड रूट्स। ठीक है, जो रूट्स होती हैं, रूट्स में नोड्यूल की फॉर्मेशन होने लगती है तो हम उनको क्या कहते हैं, नोड्यूलेटेड रूट्स कहते हैं। रूट्स बियर स्मॉल इरेगुलर स्वेलिंग्स कॉल्ड रूट नोड्यूल्स और ट्यूबरकल्स। कह रहा है कि जो ये रूट्स आपको दिखाई दे रही हैं तो इन रूट्स के ऊपर, जैसे सपोज ये आपके पास इस तरह से रूट्स की रूट हेयर्स हैं, ठीक है, तो इनके ऊपर जो है नोड्यूल्स बनेंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये जो रूट नोड्यूल्स हैं ये नोड्यूलेटेड रूट्स में प्रेजेंट होते हैं। बहुत सारे इसमें जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरिया जो है वो क्या काम करते हैं, जितनी भी नाइट्रोजन है उसको ट्रैप कर लेते हैं और उसको नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स में चेंज कर देते हैं, जिस प्रोसेस को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कुछ साइंटिफिक नेम्स दिए गए हैं, जैसे रेडिश के, टर्निप के, कैरेट के, तो ये सारे बोटेनिकल नेम्स हैं प्लांट्स के। आप चाहें तो आप इनको पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं नोट्स में। देन उसके बाद जो है वो रूट के फंक्शन बताए गए हैं। एक तो मेन फंक्शन तो आपको पता ही है कि रूट का, वो एनकरेज देता है। ठीक है, उसमें जो है वो प्लांट जो है वो फिक्स प्लांट जो है वो अपनी पोजीशन पे रहेगा। ठीक है, रूट्स जो है वो फिक्सेशन में हेल्प करेंगी प्लांट के, और रूट्स जो है वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है किन पार्ट्स को, जो हवा में होते हैं, एरियल पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर की एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करते हैं रूट हेयर्स जो होते हैं। रूट हेयर जोन जो होता है रूट का, वो स्पेशली होता ही किसके लिए है, वाटर की एब्जॉर्प्शन के लिए होता है। बिकॉज वहाँ पे जो रूट हेयर्स होते हैं वो फाइनली जो है सॉइल में पेनिट्रेट कर जाते हैं, तो उसमें से जो है बड़े आसानी से वाटर को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद आपको पता है एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स जो हैं मिनरल को एब्जॉर्ब कर लेती हैं रूट्स। रूट्स जो हैं वो स्पेशलाइज्ड होती हैं, ठीक है, बहुत सारे जो मिनरल्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। देन उसके बाद जो है वो कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, रूट हेयर्स जो होते हैं, रूट हेयर्स के बाहर कुछ कई प्लांट्स में रूट पॉकेट्स भी प्रेजेंट होती हैं, तो वो होती हैं हाइड्रोफाइट्स में। ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय द रूटलेट्स आर कंडक्टेड बाय द वेरियस पार्ट्स ऑफ द रूट सिस्टम टू द शूट सिस्टम। रूट सिस्टम जो है वो सॉइल के नीचे होता है, तो रूट सिस्टम जैसे वाटर और मिनरल्स की जो ये एब्जॉर्ब करती हैं रूट्स, तो पूरे के पूरे पौधे में पहुंचाती हैं पानी को भी, मिनरल्स को भी, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। देन उसके बाद कंडक्शन करते हैं ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की, जितने भी ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स पत्ते बनाते हैं, लीव्स जो हैं जितने भी न्यूट्रिएंट्स को बनाएंगे पौधों में, तो वो सारे के सारे रूट्स में भी जाएंगे। रूट्स कई हमारे पास पौधे ऐसे होते हैं जो कि स्टोरेज रूट्स होती हैं जिनमें, ठीक है, स्टोर करके रखते हैं वो फूड को, तो वहाँ पर भी ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जाते हैं हर एक पार्ट तक। देन उसके बाद ग्रोथ रेगुलेटर्स, रूट्स जो हैं, सम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन द रूट्स। कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे ग्रोथ हार्मोन्स रेगुलेटर्स भी होते हैं जो कि रूट्स में सिंथेसाइज होते हैं। देन होल्डिंग सॉइल पार्टिकल्स, बहुत सारे सॉइल पार्टिकल्स को रूट जो है वो पकड़ के रखती है ताकि सॉइल इरोजन ना हो। देन उसके बाद सेकेंडरी फंक्शंस हैं, जैसे कि हाइग्रोस्कोपिक रूट्स होती हैं। ये सारे जो ऊपर बताए ये प्राइमरी फंक्शंस हैं जिनके बारे में आप सबको पता है कि फिक्सेशन हो जाती है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन हो जाती है, वाटर और मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन होती है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की, बहुत सारे ग्रोथ रेगुलेटर्स बनते हैं, सॉइल पार्टिकल्स को होल्ड करता है ताकि सॉइल इरोजन ना हो, तो ये सारे प्राइमरी फंक्शंस हैं। मीन्स पहले भी हमने पढ़ चुके हैं इन सब चीज़ों को। देन उसके बाद सेकेंडरी फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। तो सेकेंडरी फंक्शंस में पहला आता है हाइग्रोस्कोपिक रूट्स। क्या आता है बेटा, हाइग्रोस्कोपिक रूट्स के बारे में। यंग प्रॉप रूट्स ऑफ बनियान एंड एपिफिटिक रूट्स आर स्पेशलाइज्ड टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द डैम्प एयर, डैम्प। हाँ, तो मैंने आपको इसमें बताया कि जैसे प्रॉप रूट्स होते हैं बनियान के, ठीक है, बनियान ट्री होता है, उसकी सीधी सीधी रूट्स होती हैं। सपोज यहाँ पे बनियान ट्री है, ठीक है, और इसी की ब्रांचेस से और रूट्स जो हैं वो निकल गई और वो धरती में चली गई नीचे, ठीक है। ये कब होगा, जब यहाँ पे जो है वो डैम्प एयर होगी, मतलब ऐसी एयर जिसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है,
जिसकी वजह से पौधा जो है वो प्रॉपर जो है वो प्रोसेस में नहीं है, ठीक है, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में जो है रूट्स जो हैं, यहाँ पे तो रूट्स होंगी पर यहाँ पे प्रॉप रूट्स होंगी, ये प्रॉप रूट्स होंगी, इन प्रॉप रूट्स की हेल्प से पौधा जो है वो यहाँ से वाटर को जो है वो खींच लेगा, ठीक है। देन उसके बाद मैकेनिकल सपोर्ट है, मैकेनिकल सपोर्ट में, मैकेनिकल सपोर्ट में क्या है कि एक्स्ट्रा मैकेनिकल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइडेड प्रोवाइड होती है रूट्स की हेल्प से, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जैसे जिनमें इस तरह से रूट सिस्टम तो होता है, पर साथ में यहाँ पे जो है वो बहुत सारे और भी रूट्स जो हैं वो ऐसे मिलके बन जाते हैं, जैसे पीपल के पौधे में भी आपने देखा होगा। तो इट मीन्स कि ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है रूट में, तो ये बटरेस रूट कहलाती हैं, तो ये एक्स्ट्रा सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट जो है वो पौधे को दे देती हैं, ठीक है। उसके बाद जो है बैलेंसिंग है, जैसे फ्लोटिंग प्लांट्स हैं, फ्लोटिंग प्लांट्स हैं, तो मतलब कि जैसे पानी है, पानी के ऊपर जो है वो कुछ पौधे जो है वो फ्लोट करते हैं, ठीक है। तो वो किसकी हेल्प से, क्योंकि उनमें जो है वो बॉयंसी होती है, ठीक है, हवा भरी होती है उनके कुछ ऑर्गन्स में। फ्लोटिंग प्लांट्स पोजेस वन और मोर एडवेंटिशियस रूट्स पासिंग डाउनवर्डली इन वाटर फॉर बैलेंसिंग, इनमें कुछ जो है एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं जिसकी वजह से ये पानी के सरफेस के ऊपर तैरते रहते हैं, ठीक है। रूट फ्लोट्स में हेल्प करता है ये, ठीक, फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प होती है रूट्स। कई कई प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी रूट्स जो हैं वो ग्रीन होती हैं, फोटोसिंथेटिक होती हैं, और वो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बनाती हैं पूरे पौधे के लिए। जैसे एग्जांपल दिया गया है यहाँ ट्रापा टाइनोस्पोरा। देन प्रोटेक्शन भी होती है रूट के, रूट्स में जो थॉर्न्स होते हैं ना, कई बार रूट्स में कांटे होते हैं, रूट थॉर्न्स होते हैं, या रूट में स्पाइंस होती हैं, ठीक है, बहुत सारे पौधों में प्रेजेंट होती हैं ये, तो ये हमें बहुत सारे एनिमल्स से बचाती हैं। जैसे पौधा है तो पौधे में अगर स्पाइंस हैं तो एनिमल कैसे खाएगा उसको, तो इट मीन्स कि जो स्पाइंस हैं और थॉर्न्स हैं उन्होंने इन जानवरों से जो है वो सुरक्षा कर ली अपने, ठीक है, पौधों ने, पौधे जो हैं वो इनकी वजह से सुरक्षित हैं, थॉर्न्स और स्पाइन्स की वजह से सुरक्षित हैं। थैंक यू बेटा।